गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड में है। आज जो टॉपिक में क्वेश्चन जो हमने रूल करवा दिए थे फर्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर ही चल रहे हैं। 1 से 9.1 को कंप्लीट करेंगे। फिर अभी फिलहाल तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फोर्थ का सेकंड आ रहा है, वो i = x³/, जब तक आप सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखते, सब्स्टिट्यूशन नहीं आती जब तक, तब तक हम एडजस्टमेंट के साथ गुजारा कर रहे हैं, तो इसको भी हम एडजस्टमेंट ही कर पाएंगे। एडजस्टमेंट हमने कर दिए, वो क्या किए, ऊपर x है, नीचे x+2 दिया हुआ, पावर तो चलो जो थी, एड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे 2 न्यूमिनेटर में, पर एड और सब्ट्रैक्ट जो 2 कराना है वो भी पावर में, मतलब यहाँ x+2 था, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट करा दिए, पावर क्यूब रहने दी, डिनोमिनेटर को तो भी टच नहीं करने, ये काम कर दिया। या फिर और सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, एक्स है 9.2, क्या करते हैं उसमें पुट करा देते हैं x+2 को टी सब्शन, तब भी थोड़ा सा हिंट दिया था, बस आ जाएगी 9.2 तो समझ आ जाएगी। कब हिंट दिया था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का डेरिवेटिव कांस्टेंट ना हो तो टी पुट होता है, एक्सपोनेंट में पावर का डेरिवेटिव कांस्टेंट ना हो टी पुट होता है, अगर आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। फिर ये ज़्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली इसके, फिर भी अब हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं पता इस समय स्टेज पे, तो हम इसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, बोर्ड में सब्स्टिट्यूशन लगा देना, a - b का होल क्यूब है, यह आ जाएगा a³ b³ 3ab a - b मेरे ख्याल से, तो लगा लीजिए a³ - b³। एडजस्टमेंट करनी थोड़ा सा रहता है बच्चों के लिए इशू, अदरवाइज ab फिर आएगा a - b। नीचे जो चलेगा उधर चलेगा, नीचे इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए और अलग अलग कर लीजिए। सब्शन इसमें क्या लगेगी, x+2 को 3, पिछले वाले क्वेश्चनों में भी सब्शन लग जाएगी, वो भी लगेगी, तो क्या लगेगी, x+2 को क्या पुट कराओगे, टी, जो पिछले वालों में भी थी वो बता ही नहीं कौन सी है। जैसे एडजस्टमेंट करी तो हमने 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट करा के क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया, ब्रैकेट खोल के सबको अलग अलग कर लो, अब इंडिकेट हो जाएगा, या वेट करो 9.2 तक की, बोर्ड में तो आप 9.2 को लगा सकोगे इसके अंदर, मतलब सब्शन लगा सकते हो, x+2 का क्यूब अलग अलग भी करो इसके नीचे अलग, ये सॉल्व होता जाएगा, अब आपका -8/, और ये ब्रैकेट भी खुल रही है, 6 × देखो जिसको ऑब्जेक्शन होगी तो बोलेगा 12 × इंटू क्या आएगा, अब ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/(x+2)8 बाहर आ जाएगा, dx/(x+2)-6 बाहर आ जाएगा, और ये कट जाएगा x+2 का। अब जिन्होंने अपने हाथ से कर लिए क्वेश्चन उनको पता है अब कैसे आप चलोगे, 1/(x+2)³dx। अब आप इंडिकेट इसको कर सकते हो बड़े आराम से, या जी ये डाउट में लिखे हुए कुछ, इसमें कोई और देने होंगे तो बोलना, अभी तो फोर्थ का सेकंड करा रहा हूँ, डाउट थोड़े साइड पे है, फोर्थ का सिक्स्थ, फिफ्थ का फोर्थ, ये डाउट है, अब आप कर लो इसको, मेरे ख्याल से अब आप इसको करने लायक रहोगे, अब तो आप कर लोगे, क्यों, होल पावर डिनोमिनेटर का 1 है, अब मैं रूल नंबर लिखूं तो आपने रूल बताया आपको, होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर का कितना है 1 है,
दूसरी बात डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन क्या है न्यूमरेटर, तो ये तो लॉग बन जाएगा, इनके होल पावर वन नहीं है, इनको आप सोचो होल पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू वन, तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, रूल नंबर 8, और इनमें क्या लग जाएंगे, रूल नंबर 7, मतलब रूल तो पहले ही था, रिजल्ट 7 था, पर नंबर 7 पे है तो मैंने 7 ही लिख दिया, इसको माइनस 8 है, x प्लस 2 की पावर माइनस 4 dx, 6 इंटू x प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx, 12 इंटू, बस आगे डैडी सर्च कर लो इसका, माइनस 3 dx, इसका मिडल का डैडी सर्च कर लो, डी बाई डी एक्स ओ बीच वाले का देख लेना, जो अब थोड़ा नहीं भी लिखवाएंगे तो चल जाएगा, थर्ड लेक्चर के अंदर आएंगे, इसका ऊपर डैडी वैल्यू तो ये बन जाएगा लॉग, ये आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, 6 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, x प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस दिया, इस तरह से चला, चलिए टू ऐड टू सब्ट्रैक्ट करा के फिर हमने एडजस्टमेंट इसकी करी थी, ठीक है, जिसके डाउट नहीं है वो आगे चलता रहे और आपको 10th तक क्वेश्चन करा दो, जो डाउट होगा मैं इसे साथ साथ पूछूंगा, आपने 4th के सारे क्वेश्चन पूछ लिए, 4th का 4th भी 6th में, इसका मतलब एडजस्टमेंट तो आपकी जीरो है, जिसने पूछे बेटा एडजस्टमेंट तो आपकी जीरो है, तो आप 9.2 में ही जाना, इसमें सब्शन लगा देना √2x-1 को t 4th के 6th में, आप खुद सोचो आपको कल 4 या 3 क्वेश्चन करा के भेजे, 3 आपने आज पूछ लिए, तो आप एडजस्टमेंट जब कल लिख दी थी इस क्वेश्चन में आनी है, तो आप जीरो एडजस्टमेंट के साथ आ रहे हो, आपको एंगल पता नहीं सेम बनाने में इतना तगड़ा क्वेश्चन करा दिया, 4th का 5th आपको, 4th का 5th मेरा कराया हुआ था, यहाँ 2x है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एडजस्टमेंट करनी थी, एडजस्टमेंट नहीं है करके तो फिर क्या आप करोगे इसको बताना मेरे को, सारे आपने पूछ लिए यार, एक पार्ट भी नहीं आप सॉल्व कर पाए हो, चलो 4th का 2nd नहीं हुआ, ये तो हो जाने वाला था क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो xi 9.2 में, तुम 9.2 में ही कर लेना इन क्वेश्चनों को, वहां सब्स्टिट्यूशन आएगी, यहां तो आपकी एडजस्टमेंट जीरो है, बिल्कुल बोर होगी, कल 3 पार्ट कराए आपने, 3 पार्ट और पूछ लिए बाबू, 6 पार्ट है इसके अंदर, 2 से मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड है, 2x है यहाँ x है, तो दिख नहीं रहा था आपको कल आज क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, एड एंड सब्ट्रैक्ट करा देंगे, वन बाय टू, टू एक्स माइनस वन अलग काट लिया है और 2x-1 अलग काट लिया, अलग अलग कर लेंगे, वन बाय टू है, 2x-1 √2x-1, आपको दिख नहीं रहा किस हिसाब से एडजस्टमेंट हो रही है, नहीं हो रहा तो कल वाले 3 क्वेश्चन अपने हाथ से दोबारा करते, मैंने कहा था पहले से शुरू हो जाना, दोबारा करना क्वेश्चन को, ये ऊपर चला जाएगा √2x-1 dx अपॉन √2x-1 होल बार 1 नहीं है, तो रूल नंबर 7 लग जाएगा, रिजल्ट नंबर 7 रूल नंबर 2 लगा लीजिए, कैसे लगाओगे, 1 अपॉन 2 है, 2x-1 की पावर 1 बाय 2 है,
थ्री बाय टू, टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन बाय टू, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स, और बीच वाले का ढूंढने, इसमें बीच वाला है कौन सा, टू एक्स माइनस वन का क्या आएगा थी? टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देंगे, वन बाय टू इंटू टू आई सॉफ डी एक्स, यहाँ भी वन बाय फोर आ जाएगा, टू पहले ही पढ़ा, इसका डेरिवेटिव सर्च कर देंगे, थ्री बाय फोर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा टू एक्स माइनस वन की पावर टू एक्स माइनस वन, एक पावर है उसी पावर से डिवाइड, एक पावर एड है उसी पावर से डिवाइड है प्लस थ्री, फोर्थ के सिक्स्थ की हिंट, हिंट दे रहे हैं या तो सब्शन से करो या फिर आप लोग एडजस्टमेंट से करना, एडजस्टमेंट से करो, एट एक्स प्लस थर्टीन है, फोर एक्स प्लस सेवन है, हिंट दे रहे हैं टू कॉमन ले लो, थर्टीन बाय टू है, फोर एक्स प्लस थर्टीन बाय टू है, सेवन एड, सेवन सेपरेट करा दो, फोर एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन, अब अलग कर लो, ट्राई है ट्वाइस ऑफ रूट फोर एक्स प्लस सेवन आ गए, फोर्टीन माइनस वन बाय, माइनस वन बाय क्या आ गया, माइनस वन बाय टू से तो टू भी कट गया, माइनस आ गया, डी एक्स अपॉन फोर एक्स प्लस सेवन, ट्राई कर लो आंसर, फिफ्थ का फोर्थ भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप में जिसका डाउट है, फिफ्थ का फोर्थ मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा आपको फिफ्थ का फोर्थ, मैं इतने तक सिक्स क्वेश्चन के पार्ट करा रहा हूं, तब तक आप मुझे फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, सिक्स का ही सेकंड पार्ट है।
आई इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स है, साइन की माइनस कॉस तो होती है बट साइन क्यूब की माइनस कॉस क्यूब एक्स मत लिख देना, कहीं ये सोच रहे हो साइन थ्री का फॉर्मूला लगा दो, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, इधर आ जाएगा फोर साइन क्यूब ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए, तो यहां से साइन क्यूब ए की वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग कर लेना, निकाल लो आंसर। चलिए साइन क्यूब एक्स में निकाल लो आंसर, साइन क्यूब एक्स है क्या आएगा, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स बाय, अलग कर लो थ्री बाय फोर साइन एक्स, करा लो फोर बाय फोर तो खत्म ही हो गया, साइन फोर बाय फोर क्या होगा, कितना आएगा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाय फोर, यह आएगा ना देखने को। चलिए फोर साइन क्यूब ए का फॉर्मूला बन गया थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए, चलिए यह आ गया थ्री बाय फोर साइन एक्स वन बाय फोर साइन थ्री एक्स, करो इसके बाद देखिए साइन की इंटीग्रेशन याद हुई कि नहीं, और जिसका डाउट है वो व्हाट्सएप पे भेज दो उस डाउट को। साइन थ्री का फॉर्मूला लगा लो, साइड मिल गया थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब, अगले वाला है सिक्स का, ये फिफ्थ पार्ट है, आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फोर टू एक्स है, इसको लगा लो फोर का तो नहीं किया हुआ, स्क्वायर का जरूर किया हुआ है, साइन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसके आगे खुद कराओ, और यहाँ अब तुम खुद कराओ, कॉस्ट भी होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, तो इसकी एडजस्टमेंट कर लो, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनता है वन माइनस कॉस्ट ए बाय टू, लगाओ जरा अपने आप, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला इसमें एडजस्ट करो, कराओ इसको खुद हाथ से करो, खुद कराओ बैठ के, पहली दो एक्सरसाइज तो जितना खुद करोगे उतना ठीक रहेगा। सिक्स का सिक्स्थ है साइन ऑफ फोर एक्स कॉस ऑफ फोर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन खुद लिखो, अगले वाले की हिंट दी है खुद कराओ जरा, अगले वाला हिंट दी हुई है, कितना आ जाएगा थ्री बाय फोर साइन एक्स की क्या आ जाएगी माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस सी, आंसर साइन की क्या होती है माइनस कॉस एक्स होती है, साइन थ्री एक्स की कंडीशन माइनस कॉस थ्री एक्स है, डी बाई डी एक्स होने चाहिए, कराओ इसको टाइम दे रहे हैं, रोक मत देना काम को, फटाफट निकाल देना काम को, अगर काम किया तो काम निकाल ही लोगे। लगाओ इसको कराओ जरा आगे, कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है
टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, साइन स्क्वायर टू एक्स है, तो ए की जगह क्या लग जाएगा, ए की जगह रिप्लेस करा लो, ए को किससे बोला, टू एक्स रिप्लेस करो, तो साइन स्क्वायर टू एक्स कितना आ जाएगा सोचोगे, वन माइनस कॉस ए था तो यहाँ टू ए है, टू एक्स है तो क्या आएगा फोर एक्स, सी तो करते हैं प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, चलिए लगा लीजिए वन बाय फोर बाहर आ जाएगा, ये वन बाय फोर तो बाहर निकाल दो, वन माइनस कॉस फोर एक्स का होल स्क्वायर वन बाय फोर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी डी एक्स आ गया, तो वन बाय फोर अलग अलग कर लो, वन की अलग हो जाएगी, कॉस स्क्वायर फोर एक्स की अलग हो जाएगी, कॉस फोर एक्स की अलग हो जाएगी, लगा लो दोबारा फॉर्मूले लगा लो, यहाँ पे भी स्केयर आ गया, स्केयर स्केयर की फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस टू ए लगेगा, कॉस टू स्केयर को सॉल्व जो कराया था हमने डिराइव करके कराया था, अगर आपको याद हो स्केयर हमने ऐसे नहीं सॉल्व करा दिया था, बिना डिराइव के हम सॉल्व नहीं कराते थे कॉस स्केयर वाले को, या साइन स्केयर को भी डिराइव कराया था, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्केयर ए माइनस वन, तो cos स्क्वायर a का हो जाएगा 1 plus cos 2a by 2, तो वो यहाँ लगा लो कितना बन जाएगा वो देखो, ये तो रहेगा 1 by 4, 1 की अलग हो जाएगी, 1 की वैसे तो x होती है, लगानी है बिल्कुल लगाओ, तो एक भी इंटीग्रेट हो गया c आ जाएगा इसका, बाकी सारे c c में मर्ज हो जाएंगे, cos स्क्वायर 4x का लगाना है, तो a की जगह क्या रिप्लेस करा दो, a को पुट करा दो 4x से, देखिए जब 4x आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8x, 1 plus cos 8x by 2 into dx, 1 by 2 cos of 4x dx, चलो 1 by 4, पर c नहीं लगाया, c जरूर लगा देना, क्यों, एक फंक्शन पे इंटीग्रेट हो गया इसका c ये लग जाएगा, 1 by 4 x है, 1 by 8, 1 की क्या होगी x, cos 8x की होगी sin 8x by 8, क्योंकि 8x का भी आता है नीचे 8 आ जाएगा, minus 1 by 2 sin 4x by d by dx, so 4x की 4, इनके c का होगी, इसी में मर्ज हो गए, एक भी इंडिकेट हो गया तो c जरूर लगाना, बाकी मर्ज हो जाएंगे इसमें, देखो एक भी आपके पास क्या हो गया इंटीग्रेट, तो उसका क्या लग जाएगा, सी जरूर लग जाएगा, जब उसका आप सी लगाओगे तो बाकी सारे सी उसी में मर्ज हो जाएंगे आपके पास, सिक्स का सिक्स पार्ट दिया हूं, बाकी सारे उसी में मर्ज कर दीजिएगा, समझ जाओगी, cos स्क्वायर 2x है, अगला दिया हुआ है 6 का 6 पार्ट, ऊपर लिखा हुआ है 6 का 6 पार्ट, कराओ
साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x फॉर्मूले लगने डेरिवेशन स्क्वायर वालों को डिराइव करके करने सीधा नहीं लिख देनी साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर की साइन स्क्वायर ड्राइव करना है तब भी तो चलिए इसमें लगा दीजिए a फॉर b फॉर a b की पावर 4 साइन एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की a फॉर b फॉर साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 4 आ गई अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए अंदर ही करना पावर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए ये कितना आ जाएगा सोचो जरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin x cos x किसके इक्वल हो जाएगा sin 2x के इक्वल तो ये बन जाएगा sin 2x 2 sin x cos x sin of 2x बन गया तो ऊपर तो क्या आ गया sin of 2x आ गया सोचो ऊपर तो क्या आ जाएगा sin of 2x आ गया नीचे कितना आ जाएगा बताओगे 2 की पावर बोलो कितना आ जाएगा 4 में से बाहर ले जाओ 2 की पावर 4 बाहर निकालो कितना आ जाएगा 1/16 क्या बन जाएगा sin 4 2x और ये तो वही क्वेश्चन बन गया नीचे किया ही वो ये नीचे ही तो किया सिर्फ बाहर क्या आता रहेगा बताओ 1/16 ये क्या चलाते रहना बाहर सबके बाहर क्या चलता रहेगा 1/16 आंसर वो तो अपने आप आप कर साइन की पावर 4 टू एक्स अभी तो कराया कौन सा है सेम है 6 का 4th पार्ट था 5th पार्ट था 6 का कौन सा पार्ट अभी कराया था 5th पार्ट चल 6 का 5th मैंने क्या किया a4 b4 a b की पावर 4 होता है 2 से मैंने 2 से 2 की पावर 4 16 बाहर आ जाएगा 2 sin x cos x तो बहुत पता ही आपको आंसर आ जाएगा सेवेंथ का है थर्ड पार्ट सेवेंथ का सारे जैसी हैं फॉर्मूले लगने दिखती रहे सेवेंथ का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ आई इज इक्वल ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला साइन एक एक्स है फिर साइन ऑफ ट्वाइस एक्स है साइन ऑफ थ्राइस एक्स इसमें क्या कराओगे साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स में फॉर्मूले लगेंगे किससे 2 से ही मल्टीप्लाई करा लो 2 से ही क्या करा लो डिवाइड 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले लग दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा लो बाय 2 से तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा वन बाय टू यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी लगा दीजिए
cos of a minus b cos of a plus b sin 3x as it is रहने दीजिए, उसको बाद में संभालेंगे क्या होता है उसका। यह आ गया 1/2 cos of x minus 2x cos of x plus 2x sin of 3x, अगर खोल सको तो अंदर ब्रैकेट खोल दो, ये 1/4 cos x minus 2x कितना आता है cos of minus x cos of minus x into sin 3x cos of 3x sin of 3x dx cos of minus theta क्या आएगा cos of, वन बाय टू कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स कॉस माइनस कॉस थीटा, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे कर लीजिए टू से, फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू से ये हो जाएगा 1/4 ट्वाइस, फिर टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा टू कॉस ए साइन बी, ये ए का काम करेगा इसमें समझ जाओगे, और ये किसका काम करेगा बी का जब फॉर्मूला लगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स माइनस 1/ फिर से 4 हो जाएगा ट्वाइस आ जाएगा कॉस 3x साइन 3x, फॉर्मूले बन जाएंगे 2 कॉस ए साइन बी का क्या होता है कॉस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला 2 cos a sin b का 2 sin a cos b का होता है sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos sin b का होता है sin a plus b minus sin a minus b, तो क्या आ जाएगा 1/4, तो क्या लग जाएगा sin a plus b minus sin a minus b into क्या लग जाएगा dx sin a minus b sin a plus b sin a minus b इंटू क्या लग जाएगा डी एक्स, कैसे लगा 1/4 साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स लगा लोगे अब तो, और इंटीग्रेट भी करा लोगे साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, बस अब अलग अलग कर रहा हूं एडजस्टमेंट अपने आप देखना, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, चलिए सबको लिख रहा हूँ इंडिकेट अपने आप करा लीजिएगा 1/4 साइन ऑफ 4x 1/4 साइन ऑफ माइनस 2x साइन ऑफ माइनस माइनस एड का प्लस साइन ऑफ 2x, ये प्लस क्यों लगाया है पूछना है किसी ने तो देखो देखा माइनस 1/4 साइन 6x dx आगे तो साइन 0 हो गया प्लस 0 छोड़ देना dx आगे ये तो 0 हो गया ये तो 0 है, सुनो साइन 0 कितना होता है अगर आपको पता हो तो साइन 0 होता है अगर आपको पता हो साइन ऑफ 0 0 ये रह गया, अब ट्राई है अब अपने आप करो साइन की कंडीशन याद होनी चाहिए, साइन की कंडीशन क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए, एट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू से करें, वन माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स पूछ रहे हैं
एट का फर्स्ट है वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस के एक्स, आई इज इक्वल वन अलग अलग कर लेना वन बाय कॉस के एक्स अपॉन साइन एक्स बाय कॉस के एक्स, वन बाय कॉस के एक्स होता है सीकेंट के एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन एक्स साइन अपॉन कॉस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन याद होगी होगी तो टेन एक्स है, सीकेंट एक्स टेन एक्स की होती है सीकेंट एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, फोर्थ पार्ट एट का थर्ड फोर्थ में ही आ जाएगा, एट का थर्ड और फोर्थ लगभग सेम ही है फोर्थ पार्ट ग्राफ में, साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन माइनस साइन एक्स से करा देंगे वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई वन माइनस साइन एक्स से करा वन माइनस साइन एक्स, या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सोचोगे कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है कहीं ना बताओ, आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा वन है तो देयरफॉर कॉस के थीटा कितना आ जाएगा वन माइनस साइन के थीटा, तो लगा लीजिएगा ये कितना आएगा कॉस केयर एक्स आ जाएगा, पता होना चाहिए प्लस टू में भी ऐसी बातें ना बताऊं अलग अलग कर लो सेम वाले बन जाएंगे पिछले वाले अलग अलग करा लो आंसर आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अब दोनों की कराई हुई है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स भी कराई हुई है आपको इंटीग्रेशन, मैंने स्क्वायर में सबकी करा दी थी आपको याद हो स्क्वायर में सभी की करा दी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो ड्राइव होनी थी या कुछ भी था इसमें क्या लगती थी आइडेंटिटी क्या बोला secant square theta minus tan square theta 1, 1 को इधर इधर ले जाओ secant square theta minus 1 equal to tan square theta, ये डंडी होता है, तो ये तो ऐसी हैं जो 10th क्लास से होती है तुमको स्लो रखने का तो मतलब नहीं बनता, ये तो आप प्लस 1 में भी बहुत बार लगाए प्लस 10th में लगाए, चलिए sin upon cos क्या हो गया tan x into secant x dx, tan square x को लिख सकते हो secant square x minus 1 into dx, secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी secant x d by dx, secant square x की क्या होगी सोचोगे tan x d by dx, 1 की क्या होगी x plus c, एट का फिफ्थ है एट का फिफ्थ पार्ट है आई इज इक्वल्स टू वन माइनस साइन एक्स, यहां तो सीधा फॉर्मूला लगा दो वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया हुआ है इसका आ जाएगा फॉर्मूला
वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला आप देख लो इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया, कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास सीधा फॉर्मूला होता ही तो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ये ड्राइव ऐसे होता है फॉर्मूला, वन माइनस साइन एक्स, वन को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या भी वन ऐसी रहने दो, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दो, टू साइन एक्स बाय टू कॉस, अब वन को तोड़े साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, क्या बनेगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा यही बनेगा। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करा दो, कॉस की अलग साइन की अलग, कॉस की अलग करा लो साइन की अलग करा, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू, कॉस की हो जाएगी साइन, साइन की क्या हो जाएगी कॉस, कॉस की हो जाएगी साइन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू, साइन की हो जाएगी माइनस कॉस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस एक्स। एट का एट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के ऊपर हैं, इसलिए डाउट पूछने से पहले अपना देख लेना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को, जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें होता है। फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, वन माइनस कॉस टू ए वो आएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, लगा दीजिए कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग कर दीजिए। वैसे तो प्लस वन में ड्राइव कराए थे, फिर भी मैंने करा दिया इसके लिए फॉर्मूला, अलग अलग करा लो जो पिछले वाला कराया था, टू साइंस के रेक्स अपॉन टू साइंस के रेक्स, तो ये क्या हो जाएगा वन बाय टू बाहर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट्स के रेक्स हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा वन डी एक्स, वन की तो इंडिकेट हो जाएगी, ये नहीं होगी क्यों, इसमें क्या लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन वन इंटू डी एक्स, अब कर लीजिए वन की अलग हो जाएगी और बाकी सबको अलग कर लेना, क्या होती है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय टू वन की एक्स प्लस सी, ऐसे आई इज इक्वल टू फाइव साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेवन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लो इसको तो इंटीग्रेट होके आंसर आ जाएगा,
थ्री, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, फाइव साइन स्क्वायर एक्स है, थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेवन कॉस स्क्वायर एक्स है, थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा फाइव बाय थ्री, साइन से साइन कट गया, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सेवन बाय थ्री है, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स है, दैट्स ऑल। कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स की आपको आती होगी और सीकेंट स्क्वायर एक्स की आपको आती होगी। फोर्थ पार्ट है इसी में, सीकेंट स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी आपके पास टेन एक्स, कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स की हो जाएगी टेन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, सेवन बाय थ्री, कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, नाइन्थ का फोर्थ पार्ट है। I is equals to cos 2x, cos 2α, cos x minus cos α। हिंट दे रहा हूं ताकि पहले बच्चे सारे बराबर पहुंच जाएं। cos 2x cos 2α, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2a का, दोनों में लगाना, याद करो 2 cos करे minus 1 लगा दो, इसमें भी और इसमें भी आंसर आ जाएगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos के रे माइनस 1, अल्फा इज कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल। नाइन्थ का ही फिफ्थ पार्ट है, सुबह उठ के पहले आईना देखा करो शीशा, उसमें अपने आप को कहा करो दो चार बार मैं प्लस टू में हूँ, प्लस टू में हूँ, तब यकीन होगा। इतनी स्लो कैलकुलेशन है ना तुम्हारी, प्लस टू लेवल की है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो जीरो है बिल्कुल भी, फॉर्मूले लिखते थे सारा, दस तुम दो घंटे लगा देते, अभी दो बार पहले लिखवा दी। टू कॉस के एक्स है माइनस वन, टू कॉस के अल्फा माइनस वन है, तो क्या आएगा टू कॉस के एक्स माइनस टू कॉस के अल्फा, टू बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक तो कट ही जाएगा, सोचो नीचे वाले से, तो एक अलग हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या लॉलीपॉप की तरह बैठा है यार, तो टाइट होके क्वेश्चन करो थोड़े से। cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, ये कट जाएगा, या आ गया वो भी कराया था नाइन को, अभी अलग अलग कराओ इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस एक्स की अलग, कॉस अल्फा की अलग, इंटीग्रेट हो जाएगा, यह आएगा ट्वाइस और cos x की क्या होगी, cos अल्फा बाहर, 1 की क्या होगी, cos अल्फा बाहर 1 की क्या हो जाएगी। अगला करो, पढ़े नहीं होगा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, चलो
नाइन्थ का ये फिफ्थ बार है, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ टू एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स है, कॉस टू का फॉर्मूला ऑप्शन है, टू कॉस के रे कॉस के रे माइनस साइन के रे फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगा दो क्या आएगा कॉस के रे एक्स माइनस साइन के रे नीचे कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा कॉमन लेने क्या कॉमन आ जाएगा कॉस एक्स नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग करो वन माइनस कॉस एक्स ये एक तो सॉल्व हो गया एक में क्या करा लो रैशनलाइजेशन करा लो क्या मतलब ये तो पूरा सॉल्व हो गया बचेगा क्या कॉस एक्स रैशनलाइज करा लो या आइडेंटिटी यूज करा लो वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डंडी लग गई ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स ये कर जाएगा ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स वन की अलग हो जाएगी कॉस एक्स की अलग हो जाएगी साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस सी सोचते रहना चाहिए टेंथ का फर्स्ट है कॉस टू का फॉर्मूला लगाया था कॉस के माइनस साइन के लिए कौन कॉमन आ गया साइन के अलग अलग कर दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन कट जाएगा साइन क्या बचेगा क्या पाई बाय टू माइनस एक्स पाई बाय टू की अलग कर दो एक्स की अलग कर दो पाई बाय टू की अलग कर दो एक्स की अलग कर दो पाई बाय टू की अलग हो जाएगी एक्स की अलग हो जाएगी कॉस एक्स होता है साइन पाई बाय टू माइनस एक्स
पिछले वाले में cos टू का फॉर्मूला लगाया था, cos करें माइनस sin करें, दोनों में से cos x कॉमन आ गया, 1 माइनस cos x प्लस sin x, इसके नीचे अलग दिख तो रहा है, अलग अलग कर दिया, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, दिख नहीं रहा, अलग अलग किया हो, sin x में आइडेंटिटी लगाई, लिखी तो ही ऊपर, क्या करना है पता नहीं चल रहा आपको, तो ये आ जाएगा पाई बाय टू, वन की क्या होगी x, x की क्या होगी x स्क्वायर बाय टू प्लस सी, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या रहेगा sin 90 माइनस थीटा, टेंथ का ही है, थर्ड पार्ट या फिफ्थ पार्ट है, tan इनवर्स है 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, यह आ जाएगा टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगा लो, 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू, वन प्लस साइन थीटा cos थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू, तो कितना बन जाएगा सोच लो, वन माइनस साइन एक्स को बना दो, कितना बना दोगे सोचेगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स है कॉस एक्स बाय टू, नीचे भी आ जाएगा कॉस एक्स बाय टू, उसकी ऐसे रूट करते रहो इक्वल्स टू कितना आ गया टेन इनवर्स है, डिवाइड करा दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2 से डिवाइड करा दो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को cos x by 2 से, आपके आंसर tan इनवर्स cos by cos 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2, फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सोचोगे, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, x बाय 2 आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा dx, पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा 1 dx, 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा x dx, चलिए